26 जून से नीट घोटाले की जांच की कमान सीबीआई ने अपने हाथों में रखी है। एक और सरकार का दावा है कि किसी प्रकार का घोटाला ही नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ इस मामले में अब तक 5 राज्यों से 27 से ज्यादा आरोपियों की धरपकड़ हुई है। ऐसे में नीट घोटाले को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरुवार को सड़कों पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो वहीं पटना से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको लेकर नीट मामले में नया खुलासा सामने आया है। 26 जून से नीट पेपर लीक की कमान सीबीआई के हाथों में है। इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब तक 5 राज्यों से लगभग 27 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुरुवार को बिहार के पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष नाम के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने पटना के एक प्ले स्कूल को रात भर के लिए बुक करवाया था, जिसमे आरोपियों ने 20 से 25 स्टूडेंट्स को रात भर नीट का पेपर अटवाया था। ये वही स्कूल है जहाँ जली हुई बुकलेट के टुकड़े मिले थे। अब दोनों आरोपियों प्रकाश और आशुतोष को सीबीआई ने 8 दिन की कस्टडी में रख लिया है। वहीं इस मामले में अभी और खुलासे होने हैं, जिसको लेकर उम्मीद की जा रही है कि आगे भी कई गिरफ्तारियां होने वाली हैं। एक और मोदी सरकार नीट परीक्षा में किसी भी तरह का घोटाला होने से इनकार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में ताबड़तोड़ हो रही गिरफ्तारियों को लेकर सरकार के दोहरे रवैये पर सवाल उठने लगे हैं। गुरुवार को राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में नीट और तमाम परीक्षाओं में हुए घोटाले की जाँच करवाने की बात कही है, जिस पर सवाल उठना जाए। गुरुवार को यूथ कांग्रेस ने भी इसे लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। अब एक और सरकार घोटाला ना होने की बात कहती है, तो दूसरी ओर लगातार हो रही गिरफ्तारियों से इस घोटाले में सरकार की भूमिका पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।